हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। फाइनली धीरे धीरे हम सीजन एंड तक पहुंच ही गए और आज बात करेंगे ब्लैक म्यूजियम के बारे में। ये एपिसोड जो है मेरे फेवरेट में से एक है और शायद आप में से भी काफी लोगों को बड़ा पसंद आया होगा। एपिसोड 3 अलग अलग स्टोरी में बटा हुआ है और ब्लैक मिरर के प्रीवियस एपिसोड से बहुत सारे ईस्टर एग्स मिलने वाले हैं। ज्यादातर रिफरेंस ऐसे ही कैजुअली दिख रहे थे और हम और भी ऐसे रिफरेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपने भी ऐसा कुछ देखा और मेरे से यहाँ पे छूट गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। नीस एक सुनसान जगह में अपना कार चार्ज कर रही होती है। चार्जिंग स्टेशन का नाम है बीआरबी कनेक्ट और शायद ये बी राइट बैक एपिसोड का रेफरेंस है। वो वहाँ पे एक ब्लैक म्यूजियम देखती है जिसका ओनर है रोलो एंस। नीस कह रही है वो उसकी माँ के इच्छा अनुरूप अपने फादर को सरप्राइज देने जा रही है जो इधर ही कहीं पे नजदीक रहते हैं। इस म्यूजियम में ऐसे चीज है जिसके पीछे किसी न किसी तरीके का क्राइम छुपा हुआ है और हेंस किसी भी चीज का बैक स्टोरेज बताता है, लाइक उस पार्टिकुलर चीज से क्या हुआ और कैसे म्यूजियम का हिस्सा बन गया। अंदर जाते ही हम व्हाइट बियर से विक्टोरिया स्किलेन का मगशॉट देख सकते हैं। आपको तो याद ही होगा, इसने अपने बॉयफ्रेंड से मिलके एक बच्ची का जान लिया था और इसका मेमोरी वाइप आउट करके बार बार पनिशमेंट दिया गया था। वॉल स्क्रीन्स में हेडलाइन है जिसमें लिखा है डबल सुइसाइड, जो व्हाइट क्रिसमस का रेफरेंस है जहां पे जेनिफर ने पॉइजनिंग करके खुद का और हैरी का जान लिया था। दूसरा हेडलाइन है क्लोनिंग विदाउट कंसेंट, जो यूएसएस कैलिस्टर का रेफरेंस है जहां पे डेली ने अपने कॉलिक्स का क्लोन बना के गेम के अंदर लेता था और अपना मनमानी किया करता था। प्ले टेस्ट से गेम में यूज किया गया मशरूम का पिक्चर भी डिस्प्ले में है। कूपर ने साइटो गेमो कंपनी में टेम्पोररी जॉब लिया था और उसके बाद क्या क्या हुआ वो तो आपको याद ही होगा। हेटेड इन द नेशन से रोबोटिक बीज जिसमें किलर हैशटैग डेथ का यूज हुआ था और 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। आर्केंजल से मरी का टूटा हुआ टैबलेट जिसके मदद से वो अपनी बेटी सेरा के ऊपर 2400 घंटे नजर बनाए रखती थी। ए बाथटब जिसमें मिया ने साजिया के पति अनन का मर्डर किया था। नीस के पीछे कार्टून ब्लूम का डमी रिक्रिएशन लटका हुआ है जिसने द नेशनल एंथम में बहुत ही आर्टिस्टिक वे में अपना मैसेज कन्वे किया था। अब वो मैसेज क्या था वो जानने के लिए द नेशनल एंथम वाला वीडियो जरूर देखना। यूएसएस कैलिस्टर से डेली का डीएनए अपलोडर भी है जिसके मदद से डेली लोगों का क्लोन बनाया करता था और वहाँ पे टॉमी का लॉलीपॉप भी पड़ा हुआ है। व्हाइट बियर से बैक्स्टर का हंटिंग कॉस्ट्यूम, मास्क, रेड कोट और गन भी है, जो व्हाइट बियर जस्टिस पार्क में शो का लीड कैरेक्टर था। निस के पीछे ओवल शेप कुकीज भी है जो व्हाइट क्रिसमस में यूज किया गया था ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टोर और टाइम को मैनिपुलेशन करने में। ये तो हो गए ऐसे चीजें जिसके बारे में हमको पहले से ही पता है। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिसके पीछे का स्टोरी हमको मालूम नहीं। सबसे पहले आता है एक इलेक्ट्रॉनिक हेयरनेट डिवाइस जिसको हेंस सिंथेटिक डायग्नोजर कहता है। हेंस सैंट जूनिपर्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एज ए न्यूरोलॉजिकल रिसर्च रिक्रूटर की तरह काम करता था। सैंट जूनिपर्स सैंट जूनिपेरो, यहाँ पे भी रेफरेंस तो आ ही गया। हेंस का काम जिसके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं होता उन लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट देना होता था। बदले में उन लोगों को कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व किया जाता था ताकि वो नया मेडिकल टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। हेंस डॉक्टर पीटर डॉसन को मिलता है जो अभी अभी एक पेशेंट को ना बचा पाने की वजह से परेशान था। हेंस TCKR कंपनी के अंडर काम करता था। ये वही कंपनी है जो सैन जूनिपेरो में वर्चुअल वर्ल्ड को मेंटेन कर रहा था। ये लोग एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे हैं जिससे एक ब्रेन का इन्फॉर्मेशन दूसरे में ट्रांसफर हो। इन लोगों ने इसके लिए 2 रैट को यूज किया, हेक्टर और केनी, सटअप एंड डांस से 2 मेन किरदार के नाम आप लोगों को तो याद ही होगा। हेंस का मकसद एक रैट से दूसरे में नॉलेज ट्रांसफर करने का था, बट वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन नई चीज डिस्कवर हुई, नॉलेज तो ट्रांसफर नहीं हुआ बट फिजिकल सेंसेशन जरूर हुई। इसका मतलब अगर एक को किसी तरीके का पीड़ा होता तो दूसरा भी छटपटाता। हेंस ने इसको मॉडिफाई किया और इंसान के यूज के लिए बनाया जो वो डॉक्टर डॉसन को देने वाला है। डॉसन के कान के पीछे एक रिसीवर लगाया गया और जिससे पेन ट्रांसफर करना है उसके हेड में इलेक्ट्रॉनिक हेयरनेट, तो ट्रांसफर हो जाता सारा फिजिकल सेंसेशंस। डॉसन इसके मदद से पेशेंट के पेन को स्टडी करता था। उसको एज अ डॉक्टर सब पता होता था कि कहां क्या पेन है, किस लिए हो रहा है और उसको कैसे ठीक किया जाता है। इसी तरीके से उसने बहुत सारे पेशेंट को ठीक कर दिया। मजे की बात यह है, इम्प्लांट पेन के साथ साथ प्लेजरेबल सेंसेशन भी रिसीव करता था, तो वो अपने गर्लफ्रेंड के सर में ट्रांसमीटर लगा दिया करता था और मेल होते हुए भी सेक्स करते टाइम अपना प्लस फीमेल ऑर्गेजम दोनों एक्सपीरियंस करता था। एक बार ऐसा हुआ, सेनेटर को हॉस्पिटल में इमरजेंसी स्टेट में लाया गया और कोई भी पता नहीं लगा पाया कि वो पॉइजन हुए थे।
डॉसन सेनेटर से कनेक्ट हो गया और देख ही रहा था क्या प्रॉब्लम है। सेनेटर का डेथ हो गया और 4-5 मिनट के लिए डॉसन भी ब्लैक्ड आउट हो गया। डॉसन ने बिना मरे डेथ एक्सपीरियंस किया सेनेटर के थ्रू, तो इस सब की वजह से इम्प्लांट में भी खराबी आई और हुआ यू, अब उसको पेन में प्लेजर मिलने लगा। हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स पेन में आते थे उनमें से भी इसको सेक्सुअल अराउजल मिलता था और वो जितना हो सके उतना देर प्लेजर लेने की कोशिश करता था, भले ही पेशेंट दर्दनाक पेन में क्यों ना हो। गर्लफ्रेंड से सेक्स करते टाइम भी अभी ये बहुत ही रफ हो रहा था क्योंकि ये दूसरों को जितना पेन पहुंचाता इसको रिसीवर के थ्रू उतना ही प्लेजर मिलता। अभी वो दूसरों के शिफ्ट में भी हॉस्पिटल जाने लगा और बीमार पेशेंट का वेट करने लगा ताकि पेशेंट से कनेक्ट हो और सारा पेन ले सके। एक बार एक हार्ट अटैक वाला पेशेंट आता है लेकिन वो चेक करने के नाम में उससे कनेक्टेड रहता है और प्लेजर ले रहा होता है, लोग उसको फोर्सफुली छुड़ाने में मजबूर हो जाते हैं। हेंस भी इसका सोल्यूशन नहीं बता पाता और थोड़ा टाइम घर में ही रेस्ट करने के लिए बोलता है। डॉसन को अब खुद को हर्ट करने में भी वही प्लेजर मिलने लगता है। अब वो अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स काटने लगता है, दांत निकालने लगता है। वो डॉक्टर है तो उसको पता है खुद को मारे बिना कितना हर्ट किया जा सकता है, तो वो अपने बॉडी को बहुत ही ज्यादा हर्ट करता है। ये सीन बहुत ही तगड़ा है और देखने में तो गूजबम्स ही आ जाते हैं। आपको कैसा फील हुआ ये सीन देख के कॉमेंट करके जरूर बताना। डॉसन को किसी भी चीज का डर नहीं है और वो पेन का बहुत ही ज्यादा क्रेविंग करता है। डॉसन एक होमलेस आदमी को टेजर करके टॉर्चर करता है और अल्टीमेटली उसको ड्रिल मशीन से ड्रिल करके मार देता है। उसको इतना ज्यादा प्लेजर मिलता है वो सीधा कोमा में चले जाता है। उस इंसिडेंट के बाद उसके चेहरे में हमेशा एक अलग ही स्माइल है। और इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक हेयर नेट इस म्यूजियम में आ पहुंचा। ए पेन एडिक्ट वाला स्टोरी पेन जिलेट का एक अनरिलीज शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर्ड है और ये कहा जाता है पेन जिलेट ने भी रोलो हेंस का कैरेक्टर प्ले करना चाहा था। ये सब स्टोरी हेंस नीस को बता रहा है और एयर कंडीशनिंग भी काम नहीं कर रहा है तो हेंस गर्मी से परेशान है, वो नीस के बॉटल से पानी पी लेता है। हेंस कहता है TCKR ने इस टेक्नोलॉजी को फाइन ट्यून किया और डिजिटल कॉन्शियसनेस ट्रांसफर सिस्टम आया जिसको वो कुकीज कहते हैं। यहाँ पे हेंस व्हाइट क्रिसमस का रेफरेंस दे रहा है और रिप्लाई में नीस पूछती है लाइक व्हेन दे अपलोड ओल्ड पीपल टू द क्लाउड, जो सैन जूनिपेरो का रेफरेंस है जहाँ पे मरने के बाद भी केली और योर्की अपलोड हो गए थे और इटर्निटी के लिए जी रहे थे। म्यूजियम का दूसरा शोपीस था मंकी, तो चलिए जानते हैं इस मंकी के पीछे का कहानी और ये यहाँ पे कैसे पहुंचा। कुछ साल पहले जैक और केरी मिले और दोनों के बीच में प्यार हुआ, इन दोनों का बच्चा भी हुआ और ये लोग हैप्पी कपल थे। कैरी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चली जाती है। जैक कैरी से एक बेसिक कॉम बॉक्स के थ्रू बात करता है जस्ट एस आर नो में। हेंस जैक से मिलता है और TCKR के नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है जहाँ पे कैरी का कॉन्शियसनेस जैक के अनयूज्ड ब्रेन में ट्रांसफर किया जा सकता है। कैरी जैक के बॉडी में जिंदा रहेगी और जैक जो देखेगा वही देखेगी, जो फील करेगा वही फील करेगी। इसके लिए कैरी के बॉडी को कील करना होगा और कॉन्शियसनेस जैक के अनयूज्ड माइंड में ट्रांसफर करना होगा। वो लोग एग्री करते हैं, कैरी का कॉन्शियसनेस जैक के माइंड में ट्रांसफर किया जाता है। और अगर आपको याद हो तो ये डिवाइस सेम वैसा ही दिखता है जो आर्केंजल में सेरा के ऊपर यूज हुआ था। ट्रांसफर सक्सेस होता है, कैरी जगती है और सब कुछ फील करती है जो जैक फील कर रहा था, जैसे कि सेब का स्वाद, अपने बेटे पार्कर का हग, और इन दोनों ही खुश हो जाते हैं। जैक और कैरी मिलके 15 मिलियन मेरिट्स नाम का ग्राफिक नोबेल पढ़ रहे हैं। आप उस एपिसोड के लीड कैरेक्टर बिंग को कवर में भी देख सकते हो। अंदर कंटेंट में उस एपिसोड का क्लाइमेक्स है और बिंग का रेंट दिखाया गया है और सारे जजेस उसको देख रहे हैं, जो उस एपिसोड में बिंग के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 15 मिलियन मेरिट्स के बारे में भी जरूर देखना, आपको चैनल में वीडियो मिल जाएगा। अब इन दोनों के बीच में छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़े होने लगते हैं क्योंकि कैरी जैक को हर छोटे छोटे बातों के लिए टोकती रहती है, लाइक ए क्यू खा रहे हो, ए क्यू कर रहे हो, और अगर वो किसी लड़की को देखता तब भी वो कहती उसको क्यों देख रहे हो, वगैरह वगैरह। जैक तंग आ जाता है और हेंस के पास चला जाता है इसके सोल्यूशन के लिए। हेंस जैक के सिस्टम को अपग्रेड कर देता है ताकि कभी कभार वो कैरी को पॉज कर सके। जब भी कैरी जैक को परेशान करती वो उसको पॉज कर देता था। वो दोनों एक एग्रीमेंट में पहुंचते हैं और सिर्फ वीकेंड्स में ही कैरी विजिट कर पाएगी बाहरी दुनिया को। वो पार्कर से मिलती, पार्क में उसको खेलते हुए देखती और खुश हो जाती। ये सब सही चल रहा होता है लेकिन बीच में जैक और एमिली डेट करने लगते हैं।
एमिली कैरी को पसंद नहीं करती, तो वो चाहती थी कैरी जैक के दिमाग से कम्प्लीटली निस्के। हेंस उन लोगों को कैरी का कॉन्शियसनेस एक मंकी के अंदर ट्रांसफर करने का ऑप्शन देता है। कैरी मंकी के थ्रू पार्कर को देख पाएगी और अगर उसने मंकी को कडल किया तो वो भी कैरी फील करेगी। जैक एग्री करता है और कैरी का पूरा कॉन्शियसनेस मंकी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैरी और मंकी के पास अपना इमोशन कन्वे करने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, एक मंकी लव्स यू और दूसरा मंकी नीड्स अ हग, जस्ट वो पहले वाला कॉम्बक्स की तरह ही एस हर नो में। कैरी बहुत ही गुस्से में होती है, एमिली उसको धमकाती है अगर वो ढंग से बिहेव नहीं करेगी तो उसको पूरा डिलीट कर दिया जाएगा। अब पार्कर के लिए वो मंकी एक खिलौना ही है, तो वो उससे खेलते खेलते तंग आ जाता है और इधर उधर फेंकने लगता है और कैरी अंदर ही ट्रैप्ड है। पता नहीं उसको कैसा फील हो रहा होगा। फीलिंग्स कन्वे करने की कोई तरीका भी नहीं था, बस वही दो ऑप्शन थे, मंकी लव्स यू एंड मंकी नीड्स अ हग। हेंस कहता है यूएन ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ऐसे लिमिटेड फॉर्मेट में ट्रांसफर करना इलीगल कर दिया है और ट्रांसफर के लिए एटलीस्ट 5 इमोशन होना जरूरी है। और कहता है ह्यूमन राइट फॉर कुकीज, ये यहाँ पे व्हाइट क्रिसमस का रेफरेंस दे रहा है। आपको तो याद ही होगा कैसे उसमें कुकी के अंदर अपना ही क्लोन का स्लेव बनाया जा रहा था और पनिशमेंट के लिए टाइम को मैनिपुलेशन किया गया था। कैरी अभी के टाइम में भी रेस्पोंड कर रही है अंदर से, क्योंकि उसको डिलीट करना भी इलीगल है। ये सब के बाद हेंस को TCR कंपनी से फायर कर दिया गया और उसने ये म्यूजियम स्टार्ट किया। हेंस निस को म्यूजियम के मेन अट्रैक्शन के तरफ ले जाता है जहाँ पे क्लेटन ले का होलोग्राम है और ऐसा लग रहा है क्लेटन पूरा टूट चुका है। हमको मंकी वाले स्टोरी में न्यूज में से पता चला था क्लेटन को वेदर रिपोर्टर डिनिस स्टॉकली के मर्डर के लिए दोषी करार दिया गया था। निस यहाँ पे उसको ऐसे हालत में देख के थोड़ा दुखी लग रही है। हेंस बता रहा है वो यहाँ पे कैसे पहुंचा। जब हेंस को TCR से निकाल दिया गया, वो चाहता था सेलिब्रिटी का कॉन्शियसनेस इस्तेमाल करके होलोग्राम बनाए उन लोगों के मरने के बाद, एक लिविंग वैक्स म्यूजियम की तरह, लेकिन वो नहीं हो पाया तो इसने अपराधी के साथ ऐसा करना चाहा। हेंस जेल में क्लेटन को मिलने चला गया और कन्विंस किया कि अगर वो इनोसेंट प्रूव नहीं होता और उसको डेथ मिली तो उसके कॉन्शियसनेस यूज करके जितना प्रॉफिट होगा वो उसके फैमिली को भी देगा। निस इधर पूछती है क्लेटन का दोषी होने का डाउट था और कोई डॉक्यूमेंट्री और DNA टेम्परिंग के बारे में भी बात करती है, जो हेंस तुरंत इनकार कर देता है। क्लेटन का एग्जीक्यूशन के बाद हेंस ने उसका कॉन्शियसनेस लिया और इधर म्यूजियम में सेटअप किया। उसने ऐसे सेटअप किया जो वर्चुअल चेयर जैसा लग रहा था और सारे विजिटर्स उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे। पहले पहले बहुत लोग इस म्यूजियम को देखने आए और क्लेटन को एग्जीक्यूट करते थे, सबको वो किलर लगता था, तो अपने हाथों से सजा देते हुए सब खुद को न्याय का मसीहा सोच रहे थे। कोई भी क्लेटन का एग्जीक्यूशन लीवर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं खींच सकता, क्योंकि अगर 15 सेकंड से ज्यादा होता तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता। उन लोगों को एग्जीक्यूशन के बाद एक सुवेनिर भी मिलता था जिसमें क्लेटन का कॉन्शियसनेस हमेशा पीड़ा में चिल्लाते हुए कैद होता था। अब हुआ ये था कि निस ने ही वो एयर कंडीशनिंग बिगाड़ी थी। निस क्लेटन की बेटी थी, जो पानी उसने हेंस को ऑफर किया था वो पॉइजन था। अभी हेंस घुट रहा है और निस अपने साइड की स्टोरी सुनाने लगती है। एक्चुअली में क्लेटन इनोसेंट था, उसने कोई मर्डर ही नहीं किया था और उसके सपोर्ट में लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसको जस्टिस तो नहीं मिला, लेकिन हेंस के ब्लैक म्यूजियम में लोग आना बंद कर दिए प्रोटेस्ट के बाद बैड रेपुटेशन के वजह से। अब वहाँ पे जेन्युइन विजिटर के जगह रिपीटेड लोनर्स सैडिस्ट लोग आते थे और हेंस थोड़ा ज्यादा पैसा के लिए उन लोगों को 10 सेकंड से ज्यादा लीवर खींचने के लिए देता था। क्लेटन इसके वजह से एक बेबस जानवर का जैसा हो गया था। निस के मदर भी अपने पति को ऐसे हालत में देख के दुखी हो गई थी और सुसाइड कर लिया था। निस बहुत ही गुस्से में होती है और हेंस का कॉन्शियसनेस यूज करके उसको तड़पाने वाली है। निस हेंस का कॉन्शियसनेस अपने फादर के वर्चुअल कॉन्शियसनेस के अंदर ट्रांसफर करती है ताकि जब वो अपने फादर को एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूशन हेंस को भी फील हो। वो क्लेटन को बाय डैडी बोलती है और 15 सेकंड से ज्यादा लीवर खींच देती है, जिसके वजह से क्लेटन हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है और हेंस का दर्द भरा सुविनेर मिलता है। वो म्यूजियम में आग लगा देती है और मंकी यानी कैरी को लेकर चली जाती है। उसने अपने माँ के कॉन्शियसनेस अपने अन्यूज ब्रेन में जिंदा रखा है, तो उसकी माँ भी ये सब देख रही होती है और वो भी खुश है। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो अपने माँ के इच्छा अनुरूप अपने फादर को सरप्राइज देने जा रही है कहीं पे, वो इसी जगह का बात कर रही थी। तो बस यही कहना चाहूंगा मैं इस एपिसोड के लिए। होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो। अगर वीडियो में कोई कमियां खामियां लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को भी जरूर दबा देना। धन्यवाद।